मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। रीवा मामले में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम से इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में महिला कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि एमपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रीवा में महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। जगह जगह महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज यहाँ पर रोशनपुरा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। और विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया कि मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, पहले महिलाएं दुराचार में नंबर वन पे था मध्य प्रदेश, लेकिन आज के समय जिस तरह की मध्य प्रदेश में घटना हो रही है, कल जिस तरह से रीवा में दो महिलाओं को मुरम डाल के दबाने की कोशिश की गई, आज गुना में एक महिला को रोड सड़क पर पीट पीट के मारा उसको, तो ये सरकार कर क्या रही है? महिलाएं अपने आप को इतना असुरक्षित वातावरण में नहीं कर पा रही हैं और आए दिन महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी नींद से जागिए, कुंभकर्ण की नींद मत सोइए आप, क्योंकि इन बहनों ने आपको लाडमी बहन बनकर ठगा इन बहनों को, और आज अगर मध्य प्रदेश की सरकार इनकी सुरक्षा नहीं दे पा रही, रक्षा नहीं कर पा रही है, तो आप अपनी नींद से जागिए और उन बहनों को रक्षा कीजिए। अन्यथा महिला कांग्रेस हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती रही है, आवाज उठाती रही है, और सड़कों पर अगर बहनों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे और जो व्यक्ति इसमें संलग्न है उनको गिरफ्तार किया जाए, जांच की जानी चाहिए कि ऐसे कौन से वो दबंग लोग हैं जिनको प्रशासन का डर नहीं है, शासन का डर नहीं है, जो आए दिन ऐसी घटना हो रही है मध्य प्रदेश में, आज आए दिन महिलाएं असुरक्षित वातावरण में है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।